नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं सुयोग कुंदलकर जी को। इस देश के जाने माने हारमोनियम वादकों में से हैं। ली उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम भी है, लेकिन जो ज्यादा मन बस गया है या रच बस गया है वो हारमोनियम वादन में बसा हुआ है। बात करेंगे और समझेंगे इस पूरे सफर को, लेकिन सबसे पहले सुयोग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, जो पहला प्रश्न ही थोड़ा सा आपको हो सकता है अटपटा भी लगे, उत्तर भारतीय जो गायन जिससे लोग जो जुड़े हुए हैं, अमूमन ये होता है कि उनकी जो गायकी की शुरुआत होती है सीखने की, वो हारमोनियम से ही होती है। फिर जब वो जी हारमोनियम में थोड़ा ठीक ठाक सुरों की पहचान पैदा कर लेते हैं, तब उनको तानपुरा दिया जाता है कि अब आप तानपुरे के जी साथ थोड़ा अपना तालमेल बिठाइए। जी आपने हारमोनियम चुना, जबकि कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बड़े कलाकार रहे हैं जिन्होंने सिर्फ हारमोनियम को अपना वादन के तौर पर अपने चुना है। हारमोनियम क्यों? जी एक्चुअली इसकी शुरुआत स्कूल के दिनों से ही हुई। स्कूल में अच्छी बात थी कि हमें गाने का एक पीरियड रहता था और एक शिक्षक हमें गाना सिखाते थे। गाना मतलब छोटी छोटी बंदिशें और जो स्कूल टाइप का गाना, छोटे छोटे पोएम्स वगैरह, तो वो हारमोनियम बजा के सिखाते थे और मैं गाना ही सीखता था। लेकिन मेरा ध्यान उस टाइम जो हमें गाना सिखाती थी वो कैसी बजा रही है उस पर भी बहुत ज्यादा होता था। तो उन्होंने ही एक्चुअली मेरे माताजी और पिताजी से कहा कि इस लड़के का ध्यान संगीत की तरफ भी बहुत है, तो आप उसे हारमोनियम सिखाइए। क्योंकि वो जब जाती थी तो मैं वो बाजा लेके फिर से बजाने लगता था और डांट भी पड़ती थी कि अरे स्कूल में अभ्यास छोड़ के हारमोनियम बजाते हो वगैरह वगैरह। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मेरे घर में एक्चुअली म्यूजिक का कोई वातावरण नहीं है और माता पिताजी को तो मालूम भी नहीं था कि संगीत क्लास में डालना है, मतलब क्या करना है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने इंक्वायरी करके मुझे एक अच्छे हारमोनियम के क्लास में डाला और वहीं से एक्चुअली वो हारमोनियम का मेरा शिक्षण शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम लगाव और लक्ष्य मेरा हारमोनियम पे ही था। लेकिन मैं गाना भी सीखता था, मतलब ऐसे नहीं है कि, लेकिन ज्यादा मुझे लगता है ऐसे लगाव हारमोनियम से ही रहा, तो बस वही सिलसिला शुरू हो गया बचपन से। ऐसे रहा है एक्चुअली, ऐसे रहा है। आपने बस एक ही लाइन में ये बात छेड़ के आप आगे बढ़ गए कि डांट भी पड़ती थी, तो हाँ बचपन की कुछ और शरारतों को भी याद करके बताई दीजिए, जिससे पता चल जाए कि डांट सिर्फ सिर्फ हारमोनियम एक्स्ट्रा बजाने के लिए पड़ती थी या और भी किसी चीज में पड़ती थी। सौभाग्यवश मेरा अभ्यास भी बहुत अच्छा था स्कूल के टाइम में और हमेशा पहली से 10वीं कक्षा तक मैंने पहला या दूसरा नंबर कभी नहीं छोड़ा, मोस्टली पहला ही नंबर था। लेकिन मैं बहुत शरारती था स्कूल में था। अभी जो मुझे जानते हैं वो विश्वास नहीं करते कि सुयोग तुम ऐसी शरारतें करते थे स्कूल टाइम में, बहुत मतलब ग्रुप जमा के दंगा मस्ती करना और सब जो रेगुलर होता है उस उम्र में वो सब। तो बहुत डांट पड़ती थी और टीचर्स पनिशमेंट भी करते थे और वो सब चलता था। लेकिन उनको ये मालूम था ये लड़का संगीत की तरफ भी उसका अच्छा ध्यान है। तो स्कूल के टाइम वो जो कुछ फंक्शंस रहते थे, एनुअल गैदरिंग रहता था, उसमें वो मुझे पार्टिसिपेट होने का मौका भी देते थे। मतलब सभी शिक्षकों का प्यार भी था और डांट भी अच्छे से पड़ती थी, तो दोनों दोनों एकदम जम के होता था स्कूल के टाइम में। अच्छा सुयोग, हम लोग जैसे मैं अगर अपने ही बचपन को याद करूं तो जी स्कूल में जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस तरह के जब आयोजन होते थे या कोई भी जी और त्योहार है, तो वो एक टोली होती थी 3-4 लोगों की। एक उसमें कोई तबला बजाता था, एक उसमें कोई थोड़ा ठीक ठाक गा लेता था, कोई हारमोनियम बजा लेता था, कोई बहुत ट्रेंड लोग नहीं थे, लेकिन एक एक टोली होती थी। तो क्या मैं जी
अगर आपके विषय में ये कहूं, चूंकि अभी आपने कहा कि परिवार का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो क्या ये सही है कि वो जो टोली बनती है स्कूलों में, छोटे छोटे छोटी छोटी प्रस्तुतियों के लिए, 3 मिनट की कोई वंदना हो गई, 4 मिनट का कोई भजन हो गया, क्या आपका संगीत सफर शुरू होने का जो पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, क्या उसी को माना जाए? बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज रहती थी और उससे कुछ ना कुछ मिलता है। वो ऐसे नहीं है कि वो एकदम लो लेवल का कुछ, ऐसे नहीं है। हर एक आयु के लिए, हर एक मतलब लेवल के लिए वो आवश्यक रहता है। और वो एक्टिविटीज से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं लीडर रहता था कि अरे ये अच्छा गाता भी है और बजाता भी है, तो मैं सभी मेरे साथ जो गाने बजाने वाले थे उनको कंडक्ट करता था। कुछ वंदना कंपोज करनी है, तो ये छोटी छोटी शुरुआत एक्चुअली वो स्कूल के दिनों से ही हुई, और जिसका अच्छा असर मुझे अभी अभी जब मैं देखता हूँ तो मेरे संगीत विचार में और वो रास्ता चुनने में मुझे बहुत सपोर्ट मिला उससे, ऐसे मुझे जरूर लगता है। और स्कूल में ये होना चाहिए ऐसे भी मुझे लगता है। आजकल जो कम हो गया है ट्रेंड, वो आवश्यक है, संगीत होना चाहिए स्कूल के दिनों में भी बच्चों के लिए, ऐसे मुझे जरूर लगता है। बिल्कुल, और मुझे तो याद है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के एक स्कूल से पढ़े, लेकिन वहाँ हमें जो, चाहे वो हिंद देश के निवासी हो या सारे जहाँ से अच्छा हो, उसके साथ साथ अदर लैंग्वेज के गाने भी सिखाए जाते थे। गानवे गाने एज इन भजन, या वहाँ के जो भी, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन पिल्ला लारा करके किस तरह की एक चीज हम लोग को सिखाई गई थी, ऐसी छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती थी। खैर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने, एक तो हुआ कि भाई टीचर ने कहा कि बच्चे का संगीत में मन है, इसके अंदर संगीत की कुछ कलियां हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा पानी दें, खाद दें, तो वो एक अच्छे फूल में बदल सकती हैं। तो घर वालों ने कहा चलो भाई सुयोग को सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब 10 तक की पढ़ाई के बाद या 12वीं तक की पढ़ाई के बाद आपने तय किया होगा कि नहीं, अब इस में सिर्फ खाद और पानी से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारी और मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए समय चाहिए, जो हो सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ एक क्लैश जो होता है वो होता हो। पेरेंट्स ने किस तरह से सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने किस तरह से आपके इस फैसले को रेस्पेक्ट किया कि मुझे अब प्रॉपर सीखना है, अच्छे से जी तसल्ली से गुरुओं के जो सानिध्य में जाकर सीखना है? जी जी ये बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था ये करियर चूज करने में, क्योंकि स्कूल तक 10वीं कक्षा तक बहुत अच्छा अभ्यास चालू था और उस वक्त कुछ मालूम नहीं था कि करियर मैं इसमें करूंगा। मेरी हारमोनियम की शिक्षा पुणे के ही श्रीमती रंजना गोड़ से, ये बहुत बुजुर्ग संगीत गुरु रही, उनसे चल रही थी। और उनका ये बड़प्पन है, मैं जब 9वीं 10वीं कक्षा में था तो उन्होंने मेरे माताजी पिताजी को कहा कि अभी इसको कोई अच्छे गुरु के पास आप ले जाइए, क्योंकि वो अच्छी गुरु रही है, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि अब मेरा सिखा के हो गया, आप अच्छे गुरुजनों के पास उसे आगे की शिक्षा देने के लिए ले जाइए। तो आपने जैसे पूछा, मेरे माताजी और पिताजी को कुछ मालूम नहीं था, तो ऐसे इंक्वायरी करके करके वो पुणे में 2-3 हारमोनियम वादक है उनके पास मुझे लेके गई थी। मेरे जो आदर्श रहे हैं आपा साहब जलगांवकर, उनके पास भी मुझे मेरी माताजी लेके गई थी। लेकिन अप्पा साहब उस वक्त बहुत बिजी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा अभी छोटा है, मैं नहीं सिखाऊंगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन जब 10वीं कक्षा के बाद ऐसा आया कि अभ्यास से मन एकदम हटने लगा और बस मुझे म्यूजिक ही करना है, ये सिलसिला जब शुरू हुआ, तब कहीं पे शायद मेरे नसीब में लिखा था, मैंने डॉक्टर अरविंद तत्ते जी की एक महफिल सुनी। और उस वक्त तक जब मैं जिनका जिनका हारमोनियम सुना था, वो बड़े लोग हैं, सभी अच्छे ही हैं, लेकिन मुझे ऐसे उस टाइम लगा कि नहीं, ऐसी हारमोनियम मुझे बजानी है और सीखना है तो बस इनके ही पास सीखना है। तो 10वीं कक्षा के बाद मैं उनसे एक प्रोग्राम में मिला था, अरविंद दादा, हम उनको अरविंद दादा बोलते हैं,
लेकिन वो सीखने सिखाने के इस कोर्स में, मतलब वो सिखाना नहीं चाहते थे उस वक्त, उनके कुछ रीजंस थे। और मैंने बहुत उनको पूछा, 3 4 महीने 5 महीने उनके पीछे पीछे, मतलब जहां वो बजाते हैं उनके पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ। तो एक बार बंबई में हारमोनियम शताब्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो मैं वहां चला गया उनके सोलो वादन के यहाँ। तो उन्होंने उधर देखकर मुझे कहा, अरे तू यहाँ भी आ गया। तो शायद उनको लगा होगा कि ये कुछ सीरियस सीखना चाहता है। तो उन्होंने कहा, घर पे आके मिलो। और उन्होंने कुछ मतलब बजाने के लिए भी नहीं कहा, 2 3 सेशंस खाली हमारा एक बातचीत का सेशंस हुआ। और बाद में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया शिष्य के तौर पर। लेकिन इस सभी में मेरे माताजी और पिताजी का सपोर्ट बहुत बहुत आवश्यक था और वो रहा, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये अभी बोल रहा है संगीत करना है। संगीत करना है मतलब करियर क्या करना है, उनको मालूम नहीं था कि संगीत करके हारमोनियम बजा के पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये सच में उनको मालूम नहीं था। और मेरे बड़े भाई भी फिल्म की तरफ चल पड़े थे, उनका लिखना और फिल्म डायरेक्शन वो करना चाहते थे। तो बाकी घर के सब लोग, अरे एक फिल्म में जाएगा एक संगीत में जाएगा तो कैसा होगा तुम्हारा, तो ऐसा वातावरण था। लेकिन मेरे माताजी और पिताजी ने कहा, हमें हमारे दोनों लड़कों पर पूरा विश्वास है, और यदि कुछ नहीं बनता तो हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट चाहिए था ना उस टाइम, जो सपोर्ट लगता है मेंटल सपोर्ट, वो 100% दिया हमें, इसलिए हम आराम से कर सके उस लेवल में। क्योंकि वहां बहुत मुश्किल होता है, हम चूज करें भी या ना करें कंफ्यूजन रहता है वो उम्र में। लेकिन वो पूरा सपोर्ट माताजी और पिताजी का रहा। और जस्ट एक बात कहूंगा कि उस टाइम एक नया हारमोनियम लेने का भी एक्चुअली घर में उतना संभव नहीं था। पिताजी अकेले सर्विस में थे, छोटी सी उनकी, लेकिन उन्होंने मुझे एक 9वीं कक्षा में एक नया हारमोनियम लाके दिया। तो ऐसे बहुत सपोर्ट वो करते रहे, कुछ भी मालूम न होने के बाद भी, नहीं कि मुझे इन इसको सपोर्ट करना है। तो उनके आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से बस चल रहा है सभी। सुयोग जी, मैं इस इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले रंजना जी से लेकर और अरविंद थत्ते जी तक पहुंचने के बीच भी आप कुछ गुरुओं से आपको सीखने का मौका मिला। मैं जी चाहूंगा उनका भी जिक्र करते चलें, तब फिर हम इस इंटरव्यू को और बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रंजना ताई, हम उनको बाई बोलते थे, तो वो मुझे, हम क्लास में ही सीखते थे, मेरे साथ 8 10 लड़के भी सीखने के लिए बैठे थे। लेकिन वो मुझे कुछ स्पेशल सिखाती थी, कोर्स का भी, जो परीक्षा पद्धति का भी, और कुछ नया भी। वो बोलती थी ये भी बजाओ, और मुझे कुछ छोटी छोटी बंदिशें सिखाती थी, कुछ अलग आलाप तान भी लिख के देती थी। और मुझे बोलती थी, वो लिख के दिया है वो भी बजाओ, और अपने मन से भी सोचने की कोशिश करो और वो भी बजाने की कोशिश करो। तो वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रही थी बैच के व्यतिरिक्त। और उस टाइम मैं गाना भी सीखता था, मेरी पहले संगीत मतलब कंठ संगीत मैंने सीखा, वो पंडित श्री राम देवस्थली जी, जो कि गायनाचार्य पंडित गजानन राव जोशी जी के शागिर्द रहे। तो एक छोटी सी याद मुझे अभी श्री राम देवस्थली गुरु जी के बारे में, वो तानपुरा नहीं लेते थे उस टाइम, क्योंकि उनको पार्किंसंस की बीमारी थी। तो वो हारमोनियम लेके, क्योंकि आवाज थोड़ी हिलती थी उनकी, तो एक बार वो आने से पहले मैं कुछ हारमोनियम पे बजा रहा था। तो वो आए अंदर और प्यार से डांटा मुझे कि सुयोग ऐसे नहीं बजाना, अगर बजाना है तो पुणे में अरविंद थत्ते नाम का एक लड़का है, उस जैसा बजा। उस टाइम तक मैंने एक्चुअली अरविंद दादा का सुना नहीं था, मैं 8वीं 7वीं 8वीं कक्षा में था। तो एक्चुअली शायद वो लिखा था मेरे नसीब में कि
डॉक्टर अरविंद थत्ते जी का नाम दुर्भाग्यवश मुझे उस लेवल को मालूम नहीं था, लेकिन मेरी शिक्षा आगे चलकर अरविंद दादा से ही होने वाली थी, तो वो भी चालू था। और पुणे में भारत गायन समाज है, वहां के पंडित सुहास दातार जी से भी मैंने कुछ, मास्टर कृष्ण राव जी और पंडित भास्कर बुआ बखले जी की ट्रेडिशन की जो जो बंदिशी है, बंदिशें हैं, राग रागिनियां हैं, वो भी उनसे सीख रहा था। तो ये सब, और अरविंद दादा ने जब हमारी मीटिंग्स हुई पहले, तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि यदि तुम गाना सीखोगे तो ही मैं तुमको हारमोनियम सिखाऊंगा। तो मैं गुरु जी को बोला, ये तो टिक हो गया, मैं गाना सीख रहा हूँ पहले से ही। तो वो बहुत ही मतलब आवश्यक समझते हैं कि जिसको हारमोनियम बजाना है उसको कंठ संगीत भी सीखना चाहिए, और न कि गायक के तौर पे, गायक के तौर पे सीखा और रियाज किया तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कुछ सोच रहा हूँ वो मुझे अपने कंठ के माध्यम से बोलना चाहिए, मैं ऐसे कहूंगा कि वो आवश्यक है। इसलिए मुझे अरविंद दादा ने इंसिस्ट किया था कि गाने का भी रियाज करो, और वो भी हारमोनियम के साथ हमें एक्चुअली गाना भी सिखाते थे, कंठ संगीत के टिप्स भी देते थे, और सुर कैसा होना चाहिए, कैसा है, कैसे होता है, ये सब वो सिखाते थे। तो ये जो बैकग्राउंड थी, मतलब रंजना ताई जी, पंडित श्री राम देवस्थल जी, पंडित सुहास दाता जी, ये सब मुझे अरविंद दादा तक जाने के लिए बहुत एक अच्छा रास्ता मेरा तैयार हुआ था, फाउंडेशन एक लेवल तक तैयार हुआ था, ऐसे मुझे अभी लगता है। सुयोग जी के साथ इस बातचीत में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। कल रात एक बार फिर हमसे जुड़िएगा ठीक 10 बजे और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा।